जय श्री राम दोस्तों, आइए आज हम हनुमान जी के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां लोगों का मानना है कि श्री हनुमान जी उनका भविष्य किसी न किसी संकेत के माध्यम से स्वयं बता देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर मान्यता है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी अपने भक्तों को भविष्य बताते हैं। शाजापुर जिले के बोलाई गांव में स्थित हनुमान जी के सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर की कहानी कुछ ऐसी ही है। मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जाता है। सुनने में यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लोगों में इस मंदिर की आस्था इतनी गहरी है कि लोगों को लगता है कि यहाँ बजरंगबली उन्हें भविष्य के बारे में आगाह करते हैं। जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है उसे अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। मंदिर में आ चुके कई लोग बताते हैं यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ है, इसी वजह से लोगों का इस मंदिर पर विश्वास और मजबूत हो गया है। इस तरह लोगों को लगता है कि श्री हनुमान जी यहाँ भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं, उसी तरह इस मंदिर के प्रति लोगों की एक अनोखी आस्था और विश्वास भी है। शायद कुछ कम ही लोग हनुमान जी के द्वारा किए जाने वाले इस चमत्कार पर विश्वास करेंगे। फिर भी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित हनुमान जी के इस मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है। आज इतने वर्षों के बाद भी लोगों की इस मंदिर के प्रति आस्था कम नहीं हुई। दूर दूर से लोग इस मंदिर में हनुमान जी के इस चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के बाईं ओर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। गांव के निवासी मानते हैं कि मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी का विराजमान होना शुभ संकेत है। मान्यता यह भी है यहाँ दर्शन करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के चमत्कारों का प्रारंभ यहाँ से हुआ। कई वर्षों से सिद्धवीर श्री हनुमान जी के मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी इस बारे में बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले ट्रेन के लोको पायलट भी इस अजीबोगरीब किस्से के बारे में बताते हैं। मंदिर के पास आते ही लोको पायलट को महसूस होता है कि मानो कोई उनकी ट्रेन की गति को कम करने लगा है। अगर वह आवाज़ को अनसुना करके रफ्तार कम नहीं करते तो मंदिर के करीब आते ही ट्रेन की गति अपने आप कम हो जाती है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि एक बार यहाँ दो रेलगाड़ियाँ आपस में टकरा गई और लोको पायलट का कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में पहले ही आभास हो गया था। टकराने के बाद उसे लगा कि कोई बोल रहा है, ट्रेन की गति धीमी करो, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से यहाँ पर विशाल दुर्घटना हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।